दोस्तों पीएफ पासबुक की वेबसाइट पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे तीन वीडियोस बना के दी हैं। इन तीनों वीडियोस के अंदर में आप लोगों ने कमेंट्स में यही बताया है कि ये सेम प्रॉब्लम आपको भी फेस हो रही है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लेन कैसे लगानी है ये जानेंगे, और हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उन लोगों के लिए है जिनका ट्रांसफर हो गया है लेकिन वो ट्रांसफर अगली पासबुक में शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो ट्रांसफर वाली प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप कमेंट देख सकते हैं, इस कमेंट्स के अंदर में मेन जो कंसर्न है वो यहाँ देख लीजिए, लिखा है कि भाई नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो क्या हम विड्रॉ के लिए अप्लाई कर दें? तो आपको विड्रॉ के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब ट्रांसफर आपका नई आईडी में आ जाता है तो हमें वहाँ देखना होता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट गया है या नहीं हट गया है। अगर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वहाँ लिखा है तो उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और ऐसे में अगर आप फाइनल सेटलमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर दोगे तो जो पुरानी आईडी से पैसा आपको बाय चांस अगर मिल भी गया है जो आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो पैसा आपको नहीं मिलेगा और ऐसे में आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब तक आपको न्यू पासबुक में शो नहीं करता है तब तक आपको ना तो फाइनल सेटलमेंट करना है और ना ही कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करना है। अगर थोड़े बहुत पैसे निकालने हो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जब तक वेबसाइट ठीक नहीं होती है तब तक आपको फाइनल सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन का नहीं भरना है। ठीक है, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर यहाँ नॉट अवेलेबल हो गया। तो नॉट अवेलेबल का मतलब हमने समझा है कि यहाँ सेटल हो चुका है, लेकिन यही चीज़ हम आगे चल रहे हैं तो हमें मेंबर वाइज बैलेंस के अंदर एक जगह ज़ीरो हो गया, लेकिन ये पैसा आगे आना चाहिए ना, ये पैसा आगे आना चाहिए। यहाँ से कितने रुपए कट गए? यहाँ से पूरे पूरे 270,000 रुपये कट गए हैं, लेकिन वो नई आईडी में नहीं आए हैं। तो हम यहाँ अपनी पासबुक पे जा रहे हैं, पासबुक पे हमें कहीं पे भी हमारी यहाँ एंट्री नहीं आ रही है, ट्रांसफ़र की एंट्री यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्लेम स्टेटस पे देख रहे हैं तो क्लेम में हमें दिखा रहा है कि आपके 270,000 रुपये सेटल हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन है, भाई ये सेटल हो गए तो गए कहाँ? तो उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, मैंने यहाँ पे तीन वीडियोस के अंदर जो आपको बताया है, अभी मेरे को ये कंक्लूजन समझ आ रहा है कि यहाँ पे हो ये रहा है कि आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं लेकिन पासबुक वाली वेबसाइट ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है ये ट्रांसफ़र हो गया हो, लेकिन अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 270,000 रुपये का है। तो अगर आपका 5,000, 6,000, 7,000 का हो तो आप रिस्क ले सकते हो, फाइनल सेटलमेंट नहीं करना है ना ही कंस्ट्रक्शन का भरना है। अगर आपको 5-10 हज़ार रुपये भरने हैं तो आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा अपना अप्लाई कर दीजिए, एडवांस आपको निकालना है तो। ठीक है, हम यहाँ पे अब क्या करें, हम यहाँ पे कंप्लेन लगा रहे हैं। तो कंप्लेन के लिए आपको जैसे पता है हमारे पास एक पीएफ ग्रीवाइंस की वेबसाइट है, ये आप पीएफ ग्रीवाइंस की वेबसाइट देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पीएफ ग्रीवाइंस लिखेंगे, मैं अगर आपको दिखा दूं तो आपको यहाँ टाइप करना है पीएफ ग्रीवाइंस और यहाँ आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे हम ये कंप्लेन लगा रहे हैं कि हमने अपना ट्रांसफ़र कर लिया है जो कि हमें न्यू पासबुक में शो नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो टॉपिक है इस पर मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने थोड़ा लंबा बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखेंगे, तो उस वीडियो में जितना रेलेवेंट पोर्शन है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ हम वेबसाइट पे आ गए हैं, इस वेबसाइट पे आके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना पीएफ मेंबर सेलेक्ट करते हैं, फिर आप यूएन नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, गेट ओटीपी कर लेंगे, आपके पास जैसे ओटीपी आ जाएगा उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, एड्रेस वगैरह आप जो भी मर्जी हो डाल सकते हो। ये जस्ट अभी जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके जस्ट पहले मैंने रिकॉर्ड की है, क्योंकि ये वीडियो लंबी बन गई इसलिए मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ हमने ये स्टेट वगैरह सब एंटर कर दिया है, इसके बाद हमें नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलेगा कि आपको कौन सी कंपनी में लगानी है। तो जो आपकी नई वाली आईडी हो आपको उसमें लगानी है। ठीक है, नई आईडी जिसके अंदर पैसा आना चाहिए आपको वो कंपनी की आईडी सेलेक्ट करके लगानी है। तो हम यहाँ पे अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, आईडी सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये नया पेज खुलेगा। अब हमें पीएफ ऑफिस से प्रॉब्लम है तो हम पीएफ ऑफिस टच करेंगे, उसके बाद हमारी ग्रीवाइंस कैटेगरी आएगी। तो ग्रीवाइंस कैटेगरी में अभी जो मेरा कंसर्न है वो नॉन ट्रांसफ़र ऑफ पीएफ एक्युमुलेशन है। अगर आपका ये कंसर्न हो कि आपको अपनी पासबुक ठीक से नहीं नज़र आ रही है तो आप यहाँ पे पासबुक रिलेटेड इशू डाल सकते हैं और अपना मैटर लिख सकते हैं, जैसे आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा हो, सेटल आपका एक जगह सेटल हो गया हो। तो अगर सेटल हो गया है एक जगह तो आपको कंप्लेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे आपके 2-3 दिन में आ जाएंगे,
उसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जैसे मैंने बताया कि मेन परेशानी हमारे ट्रांसफ़र वाले केसेस में है, क्योंकि इसकी वजह से वो अपना आगे अपना फाइनल सेटलमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आप उन्हें अवगत कराना चाहें कि भाई हम बताना चाहते हैं कि आपकी पासबुक वाली वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा मुद्दा है वो मेन प्रॉब्लम ट्रांसफ़र को लेके है। तो हम यहाँ ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना मैटर लिख रहे हैं। तो आप अपना मैटर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अगर हिंदी आती हो तो हिंदी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ लेंगे, कोई अंग्रेज नहीं होता वहाँ पे, तो वो नॉर्मल चीज़ समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें हैं वो टाइप कर रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पूरा मैटर पढ़ के बता दूंगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, माई ट्रांसफ़र इज़ कम्प्लीटेड ऑन 1 अगस्त 2023, जो कि मेरे केस में 1 अगस्त को कम्प्लीट हो गया था, क्लेम सेटल दिखा रहा है, लेकिन अभी मेरा क्या हो रहा है, नई पासबुक में नहीं आ रहा। तो यही बात मैं लिख रहा हूँ, माई ट्रांसफ़र इज कम्प्लीटेड ऑन 1 अगस्त, बट इट इज़ नॉट शोइंग इन माई न्यू कंपनी पीएफ पासबुक, काइंडली अपडेट न्यू पीएफ पासबुक एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, ये मैंने मैटर लिख दिया, और इसके आगे मैं पूछ रहा हूँ, काइंडली कन्फर्म वेदर ट्रांसफ़र इज कम्प्लीटेड एज पर पीएफ ऑफिस रिकॉर्ड एंड कैन आई अप्लाई फॉर पीएफ विड्रॉल। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे पासबुक में तो नहीं नज़र आ रहा, क्या आपके रिकॉर्ड में मेरा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है? अगर ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है तो फिर मैं अपना चाहे फाइनल सेटलमेंट चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने उनसे पूछी है। ठीक है, तो आप यही सेम मैटर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ डेट वाली बात लिखी है, तो आपका जब सेटल हुआ हो वो डेट आप लिख सकते हो। अगर मान लो आपके में सिर्फ नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, आपको नहीं पता है कि आपका क्लेम सेटल कब हुआ है, तो आप वहाँ क्या करो, आप वहाँ डेट भी मत लिखो, आप सिर्फ ये लिख दो कि मेरा जो है ट्रांसफ़र जो है वो नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, लेकिन मेरे को ये न्यू पासबुक में शो नहीं कर रहा है, तो मेरा क्या कंप्लीट हो गया है, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, नॉर्मली जो ट्रांसफ़र का कंप्लीट होने का टाइम है वो 5 से 15 दिन का होता है पीएफ ऑफिस के अंदर जाने के बाद, तो इतना टाइम तो नॉर्मल एक लगने का होता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे चल रहे हैं हम, और नीचे चल के हम यहाँ ओके कर रहे हैं। ओके करने के बाद हमें इस तरह आएगा, अब यहाँ पे हमें अपना सिक्योरिटी कोड डालना है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी कोड जो भी यहाँ मेंशन हो वो डाल दीजिए, और ये आपका हमने हेडिंग सेलेक्ट कर ली है। फिर हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं, और इस तरह से हम यहाँ पे अपनी कंप्लेन फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे फॉरवर्ड करता हूँ, और सबमिट हमने यहाँ पे कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपको कहीं भी कंप्लेन नंबर नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करें, हम यहाँ जुगाड़ हमने लगाया कि हम फीडबैक देने के नाम पे यहाँ क्लिक करते हैं, तब जाके हमें यहाँ पे कंप्लेन नंबर मिलता है। हम यहाँ क्लिक हेयर करते हैं, तो क्लिक हेयर करने पे हमारे पास कंप्लेन नंबर आ गया है। ये कंप्लेन नंबर को हमें सेव करना है, अपने पास रिकॉर्ड में रख लीजिए, और इसको कॉपी करके आप व्यू स्टेटस में जाके अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, जहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह कैप्चा कोड डालना है, और इसके बाद आपको आपका स्टेटस नज़र आ जाएगा। यहाँ अगर आप अपना स्टेटस देखेंगे तो आपको यहाँ रिसीव रिवाइंस लिखा आ रहा है, आगे ये आपको बता देंगे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ से नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि ये कंप्लेन ले लेते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा ये कोई सीरियसली इसको नहीं लेते हैं, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। यहाँ अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वेट करना है, जैसे ही ये वेबसाइट ठीक चलने लगेगी मैं अपने इस चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा कि अब ये वेबसाइट ठीक चल गई है। उसके बाद आप लोग अपना स्टेटस खुद से देखिए, पासबुक अगर आपकी क्लियर शो हो रही है उसके बाद सब्जेक्ट वेरिफिकेशन हट जाए, तभी आपको आगे का कोई काम करना है। तो ये वीडियो आपको कितनी समझ आई, कितना यूज़फुल लगा आपको, जो मैंने बताया यूज़फुल अगर लगा हो तो 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे ज़रूर बताएं कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगली यूज़फुल वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।